अर्थ प्रकाश में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 34 में, जानिए अपना उम्मीदवार प्रोग्राम के तहत। यहां हम भाजपा के दफ्तर पे बैठे हैं, जहां से भाजपा के उम्मीदवार जो हैं भूपेंद्र शर्मा चुनाव में उतरे हैं। चुनाव में किस तरह से जो है आगे वो अपनी रणनीति को बढ़ा रहे हैं और कौन कौन से एजेंडे को लेकर जो है लोगों के बीच जा रहे हैं, आइए हम भूपेंद्र शर्मा जी से ही जानते हैं कि किस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं। प्रणाम, जय श्री राम, जय गौ माता की। मैं सेक्टर 45-46 वार्ड नंबर 34 से भूपेंद्र शर्मा। जो मेरा आगे का जो उद्देश्य है, जो सेवा मेरे को मिलेगी, सबसे बड़ा उद्देश्य मेरा यही है, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड फ्लैट, जो मेरे वार्ड में सबसे बड़ी जो समस्या है, जहाँ चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मैक्सिमम जो है 75-80% हाउसिंग बोर्ड फ्लैट है, जिसमें छोटी छोटी कैटेगरी हैं, एक कमरे के भी हैं, दो कमरे भी हैं, 3 बेडरूम 4 बेडरूम। जब ये हाउस बने थे उस समय सन 82 में लोगों के पास छोटी साइकिलें होती थी, स्कूटर होते थे, उस हिसाब से इनको गैरेज मिले। जो पार्किंग की समस्याएं हैं वो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, उस पार्किंग के बारे में भी हमारा उद्देश्य है कि लोगों को दिक्कत ना हो। दूसरी बात, जहां जो हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट हैं इनके ऊपर जो गज गिरी हुई है, जो लीज से फ्री होल्ड कराने के लिए साल के बाद कोई ना कोई इनको नोटिस आ जाता है, इनके दिल में डर बैठा हुआ है और उस डर की वजह से वो अपनी कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। वो समस्या जो है इसमें जो संस्थाएं काम कर रही हैं, मकान बचाओ समिति, RW, सीनियर सिटीजन, ये करीबन जितनी वेलफेयरस हैं ये सब इन्हीं मकानों में रहती हैं और इनके ऊपर बहुत बड़ी समस्याएं हैं। और उन समस्याओं से मेरा सबसे पहला प्रयास यही रहेगा कि इनको इनसे जो है निजात दिलाई जाए। उसके बाद हमारे यहाँ देखा है कि भी ये छोटे मकान है, LIG 2 रूम सेट जो है, उसमें जहाँ जो शादियाँ होती हैं, जब ये शादियों के लिए बच्चे के लिए इनको 10-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ये लो इनकम ग्रुप के फ्लैट हैं, कोई MIG के हैं, जो कि वो मैरिज पैलेस हमें 20-20 लाख से कम नहीं रेंज होते। इस वार्ड में सबसे बड़ी समस्या यही है कि अपने वार्ड में लोग रहें, यहीं पे अपने वार्ड में विवाह शादियां करें बच्चों की, उनके अपने स्थान में कहीं बाहर ना जाए। हमारे यहाँ जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो बेचारे मेरे पिता तुल्य हैं, मेरे माता तुल्य, जो हमारी बहनें, तो यहाँ ये देखा है कि उनके लिए कोई प्रॉपर कोई मीटिंग स्थल नहीं है, कोई बैठने के लिए उनकी जगह नहीं है, वो किसी कोने में किसी दुकान के आगे टेबल कहीं कहीं। तो मैं चाहता हूँ उनके लिए, हमारे आदरणीय हमारे बुज़ुर्ग हैं वो, उनके कोई ना कोई अच्छा बैठने का स्थान होना चाहिए। मैं तो ये भी प्रयास करूँगा कि मेरे, क्योंकि आज हम इस मुकाम में हैं तो उन बुज़ुर्गों की वजह से ही हैं, मैं चाहता हूँ कि उनके लिए एक सीनियर सिटीजन क्लब का एक अलग सा क्लब हो, जो वहाँ आए वहाँ पे अपनी मीटिंग करें और वहाँ पे कोई ना कोई अपनी एक्टिविटी करें। और उनका जो है, जब वो बच्चे काम पे चले जाते हैं तो बुज़ुर्ग जो है अकेले रह जाते हैं, तो हम उन बुज़ुर्गों के लिए कोई ऐसा स्थान, कोई ऐसी चीज़ बनाएं जिसमें उनका एक दिल लगे, तो बच्चों का भी एक मनोबल बढ़े, तो हम इससे आगे बढ़ी अपने वार्ड में एक अच्छी वार्ड को बढ़ा सकते हैं। एक गुरप्रीत गापी जो आपके प्रतिद्वंदी यहां से खड़े हुए हैं, उनका आरोप है कि जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो बाहरी प्रत्याशी हैं और इससे पहले जो वार्ड के काउंसलर थे उन्होंने यहाँ वार्ड के अंदर कोई ज़्यादा काम नहीं कराया विकास का, जिसकी वजह से जो है अपने आप को वो बढ़त पर मान रहे हैं, आपका क्या कहना है? देखिए जी, बड़क तो बोलने से हम वैसे पानी में पकोड़े पकाते रहे कि पानी में भी पकोड़े पकते हैं, ये बातें तो नहीं है, पकोड़े तो घी में ही पकते हैं। तो हम तो आपको जीत तो होगी, एक महाजीत होगी, वो आपके सामने आएगी, जो 27 तारीख का रिजल्ट होगा वो आपके सामने आपके संज्ञान में आएगा। हमारे को अपने ऊपर नाज है, मैं सन 83 से, मेरा बचपना सेक्टर 45-46 में गुजरा है,
मैंने यहाँ से अपनी बचपना निकाला है और जो मैं एक सामाजिक सोशल मतलब वर्कर रहा हूँ, मैं यहाँ 20 साल से सेक्टर 46 में रामलीला का कार्यक्रम मैं कराता रहा हूँ। जो वो रामलीला का कार्य है वो छोटे छोटे जो स्कूल के बच्चे हैं जो 7th, 8th, 5th क्लास में पढ़ते हैं उनके लिए हमने रामलीला का मंचन किया, उनके लिए अच्छी कोई ऐसा प्रयास रहा है कि बच्चों को अच्छा कोई प्रभु राम जी का ज्ञान मिले और अच्छी अच्छे संस्कार मिले, हमने इसकी तरफ प्रयास रहा है। और उसके बाद सेक्टर 45 में गौशाला है, वो गौशाला भी हमारे पास 10 साल से सेवा में है, उसमें भी हमारा बड़ा प्रयास गौ माता की सेवा का जो है कि भी वहाँ पे जितने भी हमारे सेक्टर वार्ड के लोग हैं उस गौशाला में जाते हैं तो गौ को जो है पहली रोटी गौ को दे के अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। तो मैं तो खैर मेरे को उस सेवा उस भगवान से मेरी दिल से अपनी अटैचमेंट है और हमें हार जीत का वो नहीं है, हमें तो ये है कि अगर हमें सेवा का मौका मिलेगा जो लोगों ने ना भी सोचा हो वो सेवा करके भी हम इनको दिखा सकते हैं। जो एक बात आपने कही है कि यहाँ पे ज़्यादातर हाउसिंग बोर्ड के मकान हैं और मकान बचाओ समिति और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन आप अपने साथ होने का दावा कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि नीड बेस्ड चेंज को लेकर जो अभी तक हाउसिंग बोर्ड के मकानों का ये मसला चल रहा है वो प्रशासन अपने स्तर पर तो हल कर नहीं पाया, इस मसले को आप किस तरह से जो है हल करवाओगे आगे? देखिए प्रशासन को तो हम तैयार होके अब जा रहे हैं, हम इतनी देर से देख रहे थे कि भी ये हो क्या रहा है, ये तो हमारे जो पब्लिक हैं जो लोग हैं प्रशासन भी हम ही हैं, हम ही आवाज़ हैं, पब्लिक की आवाज़ है, हमारे जो लोग यहाँ रहते हैं उन्हीं की डिमांड है। यहाँ जो आगे जो हौसी मोड़ के फ्लैट हैं नीड बेसिस कुछ नीड बेसिस हैं उसमें खुद दिखते हैं लेकिन वो क्लियर होगी, मेरा प्रयास रहेगा क्योंकि मेरे वार्ड में मैक्सिम जो है फ्लैट ही हैं और अपना प्रयास यही रहेगा कि भी इसको जो है नीड बेसिस पे हम इसको रेगुलाइज कराएं, किसी को मकान में अंदर रहते हुए ऐसी टेंशन ना क्रिएट हो कि उनको डर लगा रहे, वो टेंशन इनकी ख़त्म करेंगे, ये हमारा प्रयास है। व्यापारियों और इंडस्ट्रियलिस्टों की एक डिमांड रही है यहाँ पे कि लीज होल्ड से फ्री होल्ड पे जो है उनके प्रॉपर्टी है वो नहीं हो पा रही है, इसको लेके मीटिंग भी हुई है हाल ही में, तो इसको लेके किस तरह के प्रयास आएंगे क्योंकि ये मसले बिल्कुल लोगों से जुड़े हुए मसले हैं। देखिए ऐसे है कि मैं प्रॉपर्टी मैटर में बड़ा डीपली अटैच रहा हूँ, हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट जब ये अलाट हुए तब से मैं इन फ्लैटों में जा, मैं आपको बता दूँ कि लीज से फ्री होल्ड जो प्रॉपर्टी है जो इसके ऊपर भी मेरा बहुत बड़ा फोकस है कि भी इसमें जो चार्जेस है इसके थोड़ा एक्स्ट्रा चार्जेस हैं बहुत एक्स्ट्रा, तो मेरी उसी पे ये वो रहेगी कि इसको जो ऑलरेडी पहले हमारे लीज से फ्री और चार्जेस से ज़्यादा नहीं आप 5-10% इंक्रीज करो और उसी उसमें करो। जब ये मकान अलाट हुए तो अलाटमेंट सन 82 में 80,000 की अलाटमेंट थी, तो ये 20 साल बाद इनके ऊपर 15 लाख रुपए का चार्जेस क्यों लगाए जा रहे हैं? तो मेरा यही रहेगा ये लो इनकम ग्रुप EWS छोटी कैटेगरी के फ्लैट हैं इनको परेशानी ना आए, मेरा ये भी प्रयास रहेगा कि भी इनको इमीडिएटली इनको फ्री होल्ड किया जाए कि कोई भी जो चार्जेस हैं नॉर्मली चार्जेस हों, कोई ज़्यादा चार्जेस ना लगे। वार्ड की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? वार्ड की जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि मैं जो आपसे वादा करके जा रहा हूँ उस वादे में मैं खरा उतरूँ, मेरे ऊपर यही आप आशीर्वाद बना के भेजिए कि शर्मा जी जिस काम के लिए जा रहे हैं उस उद्देश्य से कामयाब होए, मैं उस उद्देश्य से ही इस सेवा भावना से ही इस काम के लिए मैं आया। जो प्रतिद्वंदी कैंडिडेट हैं वो एक आरोप ये लगा रहे हैं कि यहाँ जो पुराने काउंसलर भाजपा के रहे हैं कोई काम विकास का यहाँ पे नहीं हुआ है और लोग जो है परेशान रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए इनका तो प्रयास ही यही रहा है कि जो लोगों के ऊपर चिट्ठा खानी करनी, काम कुछ करना नहीं है, शोर ज़्यादा डालना। जो हमारे पुराने जो पार्षद रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो ये आप वार्ड 34 बना है इसमें दोनों वार्ड जो है एक एक एरिया अलग अलग आया है,
जो बड़ैल पहले सेक्टर 45 और बड़ैल था, अब 45 और 46 हो गया, पहले 46 और 32 था, अब 40। ये वार्ड दो वार्डों में से अलग अलग एक सेक्टर हमारा है, जो हमारे जो काम हुए हैं, जो सेक्टर 45-46 में जो पार्क बने हैं उनमें लाइटें देखी आप, किसी समय मेरे साथ चलिए शाम के समय, कोई ऐसी लाइट नहीं है जहाँ कभी लाइट ना लगी हो। गौशाला की जो रोड है वहाँ पे सारी अंधेरा रहता था आज से 15 साल पहले, किसी ने नहीं पूछा। जब अंधेरे रात को वहाँ 5 नंबर कॉलोनी होती थी आज से 22 साल पहले, तो वहाँ रात को कोई जाता ही नहीं था 9 बजे के बाद। अब लोग वहाँ पे सैर करते हैं, तो ये आप ये देखिए, ये भाजपा के टाइम पे अगर काम नहीं हुआ तो किसके टाइम काम हुआ। अगर ये गौशाला अब आप देखिए, लोग वहाँ पे पूजा करने के लिए समय मांगते हैं, रात को वो कहते हैं हम तो 8-9 बजे तक यहाँ बैठने को तैयार हैं। वहाँ पे जो लाइटें लगी हैं, सुबह 5 बजे वहाँ रौनक लग जाती है। जो कूड़े के ढेर लगे रहते थे, अब वहाँ पे उन्होंने स्पेशल जो अपने घर का अलग अलग वो रख दिए। एक्चुअल क्या है कि भी अब पहले क्या था कि सेक्टर 45 और बड़ैल ये एक ही वार्ड था, तो उसमें क्या है कि भाई बड़ैल का कुछ ऐसे, बड़ैल थोड़ा गांव था, उसके बाद अभी डायलमेंट में बहुत कुछ हुआ, कुछ और होने का प्रयास है, तो उसका थोड़ी सी आई है। लेकिन अभी आज की डेट में यहाँ बहुत काम हुए हैं, अगर गिनाने लगे तो ख़त्म नहीं होंगे। तो मैं आपसे जो आगे का जो प्रयास है उससे भी बढ़िया काम होगा। ठीक है, ये तो अंदर छुप गए कहीं कोरोना ना हो जाए। हमारे बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता थे बेचारे, उसमें से कुछ हमारे हमसे छूट गए, वो चले इस दुनिया से चले गए। लेकिन हमारा 2-2.5 साल हम इस कोरोना काल में ही उलझे रह गए, जो कि ये हमारा ये भी एक काम ही है हमारा। तो मैं यही चाहूँगा भगवान कृपा करे, आने वाला जो 2022 होगा हमारा, ये सारा काम का ही होगा, जो काम इन्होंने सोचे नहीं होंगे। फिर उनको बोलना, फिर जब बनेंगे फिर आप गिनाना। तो ये हमारा प्रयास रहेगा, बढ़िया से बढ़िया काम होगा, पब्लिक की फेवर में होगा, हमारे सीनियर सिटीजन बच्चों के लिए, परिवारों के लिए, ये हमारा प्रयास है, ऐसा हम करते रहे। तो ये थे वार्ड नंबर 34 से भाजपा के उम्मीदवार भूपेंद्र शर्मा, जिनका कहना है कि जनता अगर मेरे पे विश्वास जताएगी तो मैं उनके वो सारे काम करने के लिए तैयार हूँ और उनकी सेवा में हाजिर रहूँगा जो कि अभी तक काम अटके पड़े हैं। साजिन शर्मा, अर्थ प्रकाश के लिए। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।